Hi guys, it's me mominfahim and welcome back to my channel. So guys, आज की वीडियो का टॉपिक बकरा ईद के रिलेटेड है. So guys, मैंने बकरा ईद स्पेशल एक पेंटिंग बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी उसका ट्यूटोरियल दिखा दूँ कि मैंने कैसे बनाई है, और आप लोग भी बनाना चाहो तो बना सकते हो. इसमें मैंने आपको स्केच करके भी बताई है, ड्रॉ करके भी बताई है कि कैसे मैं ड्रॉ किया, फिर बाद में मैंने आपको मेन शेडिंग वगैरह बताई है. तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो. और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पिक्चर ड्रॉ करनी है, मैं वो पेंसिल से सबसे पहले ड्रॉ करूँगी. और मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मैं शीट बना रही हूँ इस बकरा स्पेशल वीडियो में. और आप चाहे तो अपनी मर्जी का भी कोई बना सकते हैं और मेरी तरह का भी कोई बना सकते हैं. मैं आपकी मर्जी का मतलब कलर कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो चेंज. और आप मैंने मार्कर्स आउटलाइन भी किए, आप वो भी चेंज कर सकते हो. और यहाँ मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, सिंपल पेंसिल से. और मैं ओरो की यूज़ करती हूँ, ओरो की बहुत पेंसिल अच्छी होती है, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी, आप ले सकते हो. और मैं ये जो ट्रिप पे आ गई थी, मैं इसको फास्ट मोशन में करती हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो. गैस हमने पूरा पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है. तो गैस अब मैं ब्लैक मार्कर से आउटलाइन करूँगी. आप इसमें किसी भी साइज का मार्कर यूज़ कर सकते हैं, पतला हो चाहे वो मोटा हो. मैं यहाँ मीडियम साइज का मार्कर यूज़ कर रही हूँ, जो मार्कर ये पूरे सेट में आता है वो तो मीडियम ही होता है. लेकिन इसमें भी आपको केयरफुली रहना पड़ेगा, अनटाइडली आउटलाइन ना हो, अच्छी साफ आउटलाइन करनी हमें करनी है. इसमें हमें बल्कि हर ब्रांड में साफ आउटलाइन करनी चाहिए. और मैं एक और बात बताना आप लोगों को भूलती थी कि आप भी जो भी अपनी पेंटिंग बनाते हैं या फिर स्केचेस बनाते हैं, मेक श्योर आप साइड पर मास्किंग टेप ज़रूर लगाएं, इससे आपकी पेंटिंग फिनिशिंग रहती है और हाइलाइट्स बहुत अच्छी दिखती हैं और क्लीन भी दिखती है. तो आप मेक श्योर मास्किंग टेप जरूर लगा के करें. सो गाइस, इधर मैं ग्रे कलर और वाइट कलर यूज़ करूँगी फेस के लिए, और साथ में पेपर स्टैम्प यूज़ करूँगी ब्लेंडिंग के लिए. बहुत जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत अच्छे हैं, इनको मैंने पहले भी यूज़ किया होगा, मैंने फिर से मंगवाए हैं, ये बहुत अच्छे हैं. ये हर तरीके की ब्लेंडिंग में काम आएगा, हर स्केच में, चाहे वो आप सिंपल पेंसिल स्केच हो या चारकोल पेंसिल स्केच हो या कलर स्केच हो, तो ये हर तरह से काम आएंगे इन स्केचेस पे. और ये बहुत अच्छे हैं पेपर स्टैम्प से, तो मैंने की तरह से बाई की हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके बाय कर सकते हैं. और सो गाइस, मैंने यहाँ ग्रे कलर कर दिया है और मैं यहाँ पर पेपर स्टैम्प से ब्लेंडिंग कर रही हूँ. सो गाइस, अब मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगी डार्क एरियाज के लिए, जो ज़्यादा डार्क एरियाज हैं उनके लिए मैं बस थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ करूँगी और फिर बाद में पेपर स्टैम्प से ही ब्लेंड कर दूँगी. सो गाइस, हमारा फेस पूरा कंप्लीट हो चुका है. सो गाइस, जो मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया था डार्क एरियाज के लिए, वो मैंने आईज़ पे भी यूज़ कर लिया. सो गाइस, अब मैं हेयर्स पे कलर करना है. ये डार्क येलो है, बहुत कलर डार्क येलो है, तो इसको हम पूरे हेयर्स पे कलर नहीं करेंगे,
ये थोड़ा सा कॉर्नर से मैं इसको कवर कर दूँगी और फिर बाद में मैं पेपर स्टैम्प से ब्लेंड कर दूँगी और ऐसे रियलिस्टिक लुक भी आएगी बालों की। तो फिर बाद में जो नीचे उसकी वो फर वाली एरिया नीचे उसको हम लाइट या डार्क ब्राउन कलर से उसको भी ऐसे कॉर्नर से थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे और पेपर स्टैम्प से ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे ही आपने भी करना है। सो गाइस अब मैं यहाँ सिंक पर डार्क ब्राउन और जो मैंने डार्क येलो बालों पे यूज़ किया वही मैं सिंक पे भी अब यूज़ करूँगी डार्क ब्राउन के साथ। और इसके बाद हम इसकी जो बॉडी के नीचे जो फर वाली नीचे बॉडी है शीप की उसको हम सिंपल डार्क ब्राउन से वो कॉर्नर पे थोड़ा सा कर देंगे और फिर बाद में पेपर स्टैम्प से ब्लेंड कर देंगे। और इस पे भी हमने सिंक पे पेपर स्टैम्प से ब्लेंड करना ताकि जो येलो और ब्राउन है वो मर्ज हो जाए। अगर सो गाइस हमने इसके सिंक पे पूरा कलर कर दिया है और गाइस मैं अब ये जो नीचे उसकी बॉडी है उस पे भी डार्क ब्राउन जैसे मैंने पहले आपको कहा था डार्क ब्राउन हम कॉर्नर पर थोड़ा सा वर्क करेंगे और फिर बाद में पेपर स्टैम्प से हम ब्लेंड कर देंगे रियलिस्टिक लुक लाने के लिए। और उसके बाद ये जो थोड़ा सा एक किस्म का रबर बैंड से वो बैनर बनाने उसके ऊपर हम ईद मुबारक लिखेंगे उसको भी हम कलर करेंगे। सो गाइस ये जो थोड़ा सा बैनर बना हुआ है इसके ऊपर हम डार्क ब्राउन येलो और डार्क येलो कलर करेंगे और डार्क ब्राउन कलर शेडोइंग के लिए है तो शेडोइंग को ब्लेंड करने के लिए हमें पेपर स्टैम्प भी यूज़ होगा इसमें भी। तो इसके बाद हम फिर ये जो पीछे खाली बैकग्राउंड है उसको भी हम कलर करेंगे और ये जो फ्लावर्स और प्लांट ये लीव्स दिख रहे हैं इसको भी हम कलर करेंगे। पीछे बैकग्राउंड में हो। सो गाइस मैं अब बैकग्राउंड पर लाइट ग्रीन कलर कर रही हूँ। सो गाइस कभी कभार हमारे से ज़्यादा एरिया जो हमारी पेंटिंग में होता है उसमें हम ना चाहते हुए भी गंदे तरीके से कलर करते हैं यानी कि अनटाइडी तरीके से किसी जगह से डार्क लगते हैं किसी जगह से लाइट किसी जगह पे होते ही नहीं है कलर। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि आप कलर पहले कर दो और बीच में जो एरिया बच जाता है और उससे ना पेपर स्टैम्प की मदद से सारा ब्लेंड करें वो फिर फिल हो जाएगा वो सारा एरिया और आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी दिखेगी। सो गाइस अब मैं यहाँ ग्रीन कलर करके टेप रिमूव करूँगी जो कॉर्नर्स पे लगे और फिर बाद में प्रेस के नेचर करूँगी और फिर बाद में आपको मेन लुक पता चलेगा ड्राइंग का। तो गाइस हमारी पेंटिंग कंप्लीट है अब इसका मेन लुक देखते हैं। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ये पेंटिंग भी कैसी लगी ये भी बताना और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ज़रूर बताना कि आप बनाना चाहोगे कि नहीं और वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।